आप लोग कौन वाले, भाड़े वाले का खाड़े वाले, ऐसे अखाड़ा थोड़ा तेज बोलो, भाड़े वाले का खाड़े वाले, आप लोग क्या हो, भाड़े वाले खर्च करके आए हो। जय निषादरा, दिल से बोलो जय निषादरा। जब तक तुम्हारा न्याय नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, हिस्सा नहीं मिलेगा, तब तक खर्च करने के लिए तैयार करो। जय निषादरा। पक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो खाना चाहिए कि खजाना चाहिए? क्या चाहिए? सकता है सीट ना आपके मन मुताबिक मिले तो आप भी बाहर जा सकते हैं। मैं 2019 से बीजेपी के साथ हूँ और 2019 से पहले हम हर पार्टी का विरोध करते हैं। आज भी जो नीतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में, उसे बदलवाना और विरोध करके राय भी दिलाए। जैसे जब कोरोना में मजदूर आ रहे थे पैदल, 40 मजदूर मर गए, तो मैंने तो उठाया बात कि भाई कौन सा नियम बनाए मुख्यमंत्री जी कि मजदूर मर गए जब पैदल नहीं आना था, तो दोपहर को आवाज़ उठाया, शाम को बॉर्डर बंद हुआ, उनको हमने। कृषि कानून को आप सही मानते हैं? क्या करें, कृषि कानून को आप सही मानते हैं? कृषि तीन कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। उस कानून पर देखो, व्यवस्था पालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका दो से गुजर के न्यायपालिका के पास वो पहुंच गई है। तो हमें लोकतंत्र पर विश्वास करना चाहिए और न्यायपालिका में जब कृषि कानून पर बहस चल रहा है, उन्हें रोक लगा रखा है, तो जब तक न्यायपालिका से उस पर कोई आदेश ना आ जाए तो टिप्पणी करना हम लोगों को मूर्खता है ना। विश्वास लोकतंत्र पर विश्वास किया जाए ना। विधायिका ने बना दिया, कार्यपालिका ने लागू करने की सोचा, न्यायपालिका ने रोक लगा दिया, तो न्यायपालिका जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं दे तब तक हम लोगों को उस पर टीका टिप्पणी करना पड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी क्या मानते हैं? प्रियंका गांधी को मैं धन्यवाद दूंगा, कम से कम अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए मेहनत कर रही हैं, लेकिन अपनी जिस नाव पर कांग्रेस सवार है उस नाव में डूब रही है, उनको उतर के कूद के सब भाग रहे हैं। जो उनके नाविक थे अब तक के वही कूद के भाग रहे हैं। उसके भागने का कारण था कि इनके कुछ जो चंगू मंगू 70 साल के हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। हमारे 18% आबादी मछुआरों की थी, तालघाट नदी तो उन्होंने छिनवा दिया ना, कब्जा करा दिया हमारे बालू पर, मोरंग पर, सर ये बेकार हो गया। 18% लोग भुखमरी के कगार पर होंगे। इनके आरक्षण की फाइल मिलके हाथी से मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया, जो आरक्षण की फाइल थी जो राष्ट्रपति ने लिख रखा। तो 18% आबादी की आरक्षण की फाइल जो मंत्री गायब करा दे और उनके यहाँ मंत्री बना रहे, तो किस मुँह से उन निषादों के यहाँ अपना वोट मांगे? पहले उन मंत्रियों को बर्खास्त करें, मंत्रियों पार्टी से बाहर निकालें उनके खिलाफ, और निषादों की जो फाइल गायब करा वापस करें, इन्हें आरक्षण दिलाने की बात करें, तब तो बात करेंगे। सभी लोग निषादों के ऊपर डकैती डालने के लिए सब चेतनारथ, कोई सपा भी चेतनारथ, बसपा भी चेतनारथ, भाजपा भी, सारे लोग चेतनारथ नहीं, मतलब इसके मतलब निषाद बेहोश थे, उन्हें होश मिलाने का। और डॉक्टर संजय निषाद पार्टी ने इतना इन्हें होश मिला दिया है कि जोश में आ गया। जोश की देन थी 2019 में सपा बसपा, मतलब हाथी लाठी 786-1 हो गई और मुसलमान यादव जिसको वोट दिया, 5 वोट इकट्ठा हुआ, लेकिन मैं मोदी के साथ खड़ा हुआ, विशेष विजय प्राप्त हुआ। तो ये वोट बैंक है प्रियंका जी को कम से कम। सर यहाँ पर